हूं आपके साथ सीमा चौधरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीलीभीत में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। पीलीभीत में अग्रवाल सभा मंच पर उनका स्वागत और सम्मान किया गया। इसके बाद उन्होंने मतदाताओं को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में देश मजबूत हाथों में है, जरूरत पड़ी तो घुसकर मारेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अस्मत और इज्जत दोनों का ही ध्यान रखती है। योजनाओं के जरिए लोगों का जीवन हमने संवार दिया है, सपा को केवल शीर्ष शासन कराना है। और इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने डोर टू डोर प्रचार भी किया। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यकीन रखना, पार्टी का नेता होने के कारण आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक के दामन के ऊपर भ्रष्टाचार की दाग नहीं, भ्रष्टाचार का छीटा लग जाएगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी उस विधायक को निकालकर पार्टी से बाहर कर। आप ये कहेंगे कि आपके पास क्या प्रमाण है? दिल्ली में आप लोगों ने हम लोगों की सरकार बनाई 2014 में, और उसके पहले हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी भी सरकार आप लोगों ने केंद्र में बनाई। कांग्रेस की सरकारों को भी इस हिंदुस्तान में काम करते हुए मेरे बहनों भाइयों आप लोगों ने देखा है। जब जब कांग्रेस की सरकारें आई है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, यहां तक कि मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। चाहे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार हो दिल्ली में, बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि किसी मंत्री के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, या कोई नहीं कह सकता। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और इस चुनाव में बीजेपी एक बार फिर अपनी सरकार बनाएगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस, बसपा, सपा और AIMIM के दल अलग अलग हैं, लेकिन दिल एक ही है। ये सभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनका गंतव्य सिर्फ एक है कि किसी भी तरह से मोदी और योगी नहीं आए। ये सारे दल भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इन सभी दलों को बहुत अच्छी तरह से पहचान चुकी है, और ये सारे दल मिलकर एक भी हो जाए तब भी योगी मोदी को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके लिए हम लोगों ने अपनी जो औद्योगिक नीति है उसके अंतर्गत भी बुंदेलखंड को लिया है। हर घर नल की व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है, यहाँ से नौजवानों का पलायन ना हो और यहीं पर रोजगार मिले। इसके लिए जो 3,00,000 करोड़ रुपए के हमारे जो हमारे निवेश हैं, उनमें बहुत बड़ा भाग जो है विभिन्न प्रकार के कारखानों को लेकर हमारे बुंदेलखंड में आ रहा है। मैं कह सकता हूं कि आज बदला हुआ बुंदेलखंड है और ये विकास की यात्रा चलती रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की विजय जरूरी है। और मुझे खुशी है कि आज हर विधानसभा सीट में जो चुनाव है पूरे प्रदेश में, आज एक पक्षीय चुनाव दिखाई पड़ता है। अलग अलग जिलों में अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, किसी जिले में बीजेपी से बहुजन समाज पार्टी लड़ रही होती है, किसी जगह पर MIM लड़ रही है, तो किसी जगह पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के राज्य की राजनीति पार्टियों की तैयारियां चरम पर है। इसको देखते हुए विभिन्न दलों की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी करने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने 12 प्रत्याशियों की नई सूची जारी की। सपा ने नई लिस्ट में उत्तर प्रदेश विधानसभा की 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसमें चित्रकूट की 2, प्रयागराज की 3, बाराबंकी की 2, बहराइच की 2 और श्रावस्ती की 2 सीटों के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इसमें प्रतापपुर से विजमा यादव, इलाहाबाद पश्चिम से अमरनाथ मौर्य, इलाहाबाद दक्षिण से राइस चंद्र शुक्ला और हैदरगढ़ राम मगन रावत और मटेरा से मोहम्मद रमजान, केसरगंज से मसूद आलम खान तो भिंगा से इंद्रानी वर्मा, श्रावस्ती से मोहम्मद असलम रायनी को टिकट दिया गया है।
तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा ने 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार यहां सामने लाए हैं। इलाहाबाद पश्चिम से अमरनाथ मौर्य, तो इलाहाबाद दक्षिण से रायचंद्र शुक्ला को यहां पर टिकट दिया गया है। वह मटेरा से मोहम्मद रमजान और केसरगंज से मसूद आलम खान और बिंगा से इंद्रानी को टिकट मिला है। रायबरेली से आरपी यादव, चित्रकूट से अनिल प्रधान पटेल, मणिकपुर से वीर सिंह पटेल, प्रतापपुर से भी यहां पर टिकट सामने आए हैं सपा के। हैरतगंज से राम मगन रावत, और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि कहां से क्या से टिकट सपा द्वारा यहां पर उम्मीदवारों की कौन सी सूची जारी की गई है। देखना होगा ये उम्मीदवार कितने इनकी उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं, और साफ तौर पर 12 सीटों पर अब सपा ने अपने उम्मीदवार यहां पर सामने ला करके खड़े कर दिए हैं। और वहीं दूसरी ओर कुशीनगर में प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल सभा का आयोजन किया गया, जिसके लिए काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। पडरोना विधानसभा के हनुमान विद्यालय कसियाहाटा, कड़ा के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, रामकोला के जेपी इंटर कॉलेज में वर्चुअल सभा का आयोजन किया गया। हर जगह से सभा में 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। वहीं योगी सरकार में विधि एवं न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। साल 2017 में वो लखनऊ मध्य से चुनाव जीते थे, इस बार उनकी सीट नेतृत्व ने बदलती है। कैंट बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट समझी जाती है। हालांकि इस सीट से सपा से बीजेपी में शामिल हुए मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव को उतारे जाने की प्रबल चर्चा थी। इसके अलावा सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए इस सीट से टिकट मांग रही थी। इसके अतिरिक्त डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी इसी सीट से इस बार चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी। हालांकि आखिरी वक्त में बीजेपी ने बृजेश पाठक को यहां से उम्मीदवार बना करके सारी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। तो अब देखा जाए, उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है और इस चुनावी सरगर्मियों में इस सीट को लेकर के हालांकि बहुत पहले से ही चर्चाएं बनी हुई थी और बीजेपी की हमेशा से इस पर मजबूत पकड़ देखी जा रही है। और इन चर्चाओं के बीच रीता बहुगुणा का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा था, क्योंकि देखने वाली बात थी कि अपर्णा यादव को इससे पहले रीता बहुगुणा ने भारी मतों के साथ हराया था। और इस बार जब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई तो सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई थी कि इस सीट से अब अपर्णा यादव को टिकट मिलेगा या फिर वो उम्मीदवार बनेंगे। लेकिन इन सारी चर्चाओं पे मोहर लगा दिया है भाजपा ने और एक नए उम्मीदवार, नए चेहरे को यहां से टिकट मिल गया है। अब इस देखने वाली बात होगी कि रीता बहुगुणा की जो मांग बहुत समय से थी कि इस सीट से उनके बेटे को ही चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए और वो मौका अब नहीं दिया गया है, क्या आपसी कलह होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे अहम चीज यहां पर सामने उठ के आ रही है वो ये सामने आई कि यहां पर अब बृजेश पाठक को उम्मीदवार भाजपा के द्वारा घोषित कर दिया गया है। जिस उम्मीद से भाजपा ने उनको टिकट दिया है, देखने वाली बात होगी कैंट की जनता कितना उन्हें पसंद करती है और कितना पसंद उन्हें नहीं करती है। उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है, जनता इन दंगाइयों और बलवाइयों को कभी भी वापसी नहीं होने देगी। यह उत्तर प्रदेश की जनता इस बार तय करने जा रही है। बहुत दिनों से मैं सुनता था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर के आए हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री के लेकर के आए हैं, लेकिन जिस ढंग से बजट पर उनकी प्रतिक्रिया आई है वो हतप्रभ करने वाली है। उन्होंने बजट को पढ़ा नहीं, लगता वो चुनावी भागम भाग में बजट को देखना पढ़ना ही भूल गए। उनका जो चुनावी मैनेजमेंट के लोग महारत थी, उन्होंने भी बताया नहीं इनको कि किस ढंग से देश के किसानों का, नौजवानों का, व्यापारियों का, महिलाओं का और विशेष रूप से गरीबों का ख्याल रखा गया है। बड़ी संख्या में निशुल्क मकान बनाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जिस ढंग से एमएसपी के लिए लगभग कई गुना बजट बढ़ाने का काम किया गया, ये उनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनको गरीब से मतलब ही नहीं है। गरीबी समाप्त करने के बजाय वो गरीब को मिटाने पर तुल गए हैं। जिस पार्टी को गरीबी से मतलब ही नहीं होगा वो देश की जनता का क्या समझेगा। मैं तो कहना चाहूंगा जिसके पैर में ना फटी बेवाई वो क्या जाना पीर पर आई।